भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले अब डॉक्टर सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर्स के साथ आए दिन मारपीट होना और आपराधिक घटनाएं होना आम बात हो गया है। ताजा मामला राजस्थान के जालौर जिले के भीनमाल शहर के एक निजी अस्पताल का है, जहां मरीज के साथ आए लोगों की ओर से डॉक्टर के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामला भीनमाल शहर के भीनमाल हॉस्पिटल का है, जहां मरीज के साथ आए 3-4 लोग अस्पताल में मेडिकल करने से उलझ पड़े। जब समझाइश की तो डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। भीनमाल हॉस्पिटल में करड़ा से कोई सालूराम निवासी पैरालिसिस के पेशेंट एडमिट थे, वो 12 तारीख को आए थे। आज 14 तारीख को लगभग 70% उनमें रिकवरी थी, वो आगे दिखाना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा हम आगे जाना चाहे तो आप हमारे को फ्री कर दो। तो हमने यहाँ से इनको फ्री कर दिया, फ्री करके डॉक्टर साहब अंकित जी ने, उसके बाद में उनके कोई रिश्तेदार थे, 3-4 लड़के थे, एक का नाम कोई सुरेश स्वरूपाराम बताया, एक का नाम कोई जीतू बताया, एक का नाम कोई था, तो उन्होंने मेडिकल पे आके हंगामा करना चालू कर दिया। मेडिकल स्टाफ को गाली गलौज करने लगे, तो मैं भी ऊपर रहता हॉस्पिटल में, तो स्टाफ ने मेरे को कहा कोई लड़के आए और न्यूसेंस कर रहे हैं यहाँ पर, गाली गलौज कर रहे हैं, काफी अटेंडर खड़े हैं, बाहर के तीमारदार भी आए हुए वो भी खड़े हैं। तो मैं नीचे आया, तो मैंने चाहिए क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, क्यों उन्होंने जगह दी, तो मैंने तेरे को ढूंढ रहे थे, तेरा ही नंबर है, तेरे को मारेंगे, तू बदमाशी करता है, तू ऐसे करता है। जैसे कि मैंने बोला, मेरे को धक्का मुक्की की, मैं रूम में आ गया। रूम में आने के बाद में मैंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, 10-12 बार धक्के मारे, लेकिन मैं अंदर पैक था। और दूसरे जो पेशेंट के रिश्तेदार थे, उन्होंने आके मेरे को बिल्कुल सेफ बाहर निकाला। हो सकता था मेरी जान के साथ कुछ अनहोनी हो सकती थी, लेकिन कुदरत का साथ था, प्रकृति साथ में थी, तो मैं सेफ हूँ। ऐसी घटना हुई है जो आपको बता रहा हूँ। सर, आपने पुलिस थाने में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया? पुलिस ने बिल्कुल FIR दर्ज कराई है, और पुलिस ने बिल्कुल हमने कहा है कि आप मेरी जांच करें, और हर एंगल से CCTV के फुटेज हॉस्पिटल में लगे हुए 25 से 30 कैमरे, अब CCTV फुटेज देख के उनका इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, भीनमाल शहर के सभी चिकित्सक भी वहां पहुंचे थे पुलिस थाने में, पुलिस अधिकारियों ने इस संबंध में क्या आश्वस्त किया? उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे, पूरे मुकदमे के तहत जाएंगे, और भीनमाल पूरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूरे हमारे पदाधिकारी आए हुए थे, अध्यक्ष और सेक्रेटरी के साथ में सभी और मेडिकल स्टाफ के लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं, ऐसी ही दुर्भावना किसी के साथ होता है, तो हम आपस में मिलकर इनके खिलाफ पुलिस से भी कहेंगे एक्शन लें, उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करावे। हाँ, कुछ लड़कों के द्वारा हॉस्पिटल में तोड़फोड़ और डॉक्टर साहब के साथ मारपीट की घटना हुई है। हालांकि हमने सबने समझाइश की कोशिश की, फिर भी वो लड़के माने नहीं, और डॉक्टर के साथ में इन्होंने बुरी तरह से पीटने की कोशिश की, हमने बीच बचाव किया, जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में 3-4 आदमी को और बुला के इन्होंने और भी हंगामा किया और जान से मारने की कोशिश की इन्होंने। बीच बचाव में हमारे नर्सिंग कर्मियों ने और डॉक्टरों ने बीच बचाव करके समझाइश करके छुड़वाया, उसके बाद पुलिस को इतला दी गई, पुलिस आने के बाद में वो लोग भाग गए। क्या कुछ पूरा मामला था, क्या वजह थी कि वो बदतमीजी पे उतरा है, बातें करने की कोशिश? अब हमारी तरफ से तो ऐसे कोई वजह दिखी नहीं, उन्होंने किस पर्पज़ से किया था, कैसे किया मैं नहीं पता, पर हमारे को ये पहले से वो इंटेंशन लेके आए थे ऐसा लग रहा था, कि उनका इंटेंशन था कि हॉस्पिटल में आके तोड़फोड़ करना है और ऐसी हरकत करनी है इनको। बदसलूकी ही नहीं, मारपीट भी करी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है, और हॉस्पिटल के अंदर इस तरीके की गतिविधि को तुरंत प्रभाव से एक्शन में लिया जाना चाहिए। हम पूरी IMA एक साथ इकट्ठा होकर के हम पुलिस थाना FIR दर्ज करवाई है हम लोगों ने, और हमने मांग करी है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, वॉयलेंस एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मुकदमे को दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में भी इसी किसी भी तरीके की इस तरीके की अनहोनी ना हो किसी भी डॉक्टर के साथ। इतने सारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी अपनी निस्वार्थ और अपनी पूरे समय को देते हुए भीनमाल और भीनमाल के आसपास के क्षेत्रों की जो सेवा कर रही है, बदले में इस तरीके की कार्रवाई बिल्कुल अनुचित है, और इसके लिए पुलिस को और प्रशासन को पूरा ध्यान में देना चाहिए। कल दिनांक 14/8/24 को मुकेश कुमार अस्पताल प्रबंधक ने रिपोर्ट दी है कि मरीज सालूराम को इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जिसका उपचार करने के बाद उसको रिलीज किया था, छुट्टी दी हुई थी। छुट्टी देने पर स्वरूप राम और सुरेश ने मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी की, और फिर डॉक्टर रमेश के साथ भी मारपीट करने की कोशिश की। इस आशय की रिपोर्ट पेश की, जिस पर केस रजिस्ट्रेशन किया गया, और
इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो किस तरीके जैसे पाए जाएंगे कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दी? सरूपाराम और तीन लोगों अन्य हैं, चार कुल चार लोगों के साथ नामजद रिपोर्ट पेश की गई है।